खरखा गांव। लगनो बोले कैसे है मैं क्या बोला भाई साहब, मैं एक ग्राम खरगाव निवासी बोले तो कि जो हम तो एक पेंशन मिलने पे गला क्या मुख्यमंत्री 1200 रुपये वहाँ पर गुजर कर सकूँ या वृद्ध पेंशन मिली या विधवा पेंशन मिलनी चाहिए क्या मुख्यमंत्री वहाँ पर परिवार पाल सकूँ मुख्यमंत्री या अन्य कोई और भी मतलब वो 1000 रुपये 1200 रुपये में अगर कोई भी परिवार पाल सको तो हम तो लेना कोई ऐतराज नहीं कंज। और मैं यहाँ पर हकीकत परिस्थिति कारण पहुंचो जो मैं भर बीत नहीं मेरा अभी दो बच्चे जी मेरा पर लड़की शादी करल एक मेरा लड़का चाहे हाईस्कूल में पढ़ना क्या मैं यार 1200 रुपये में अपना लड़का पढ़ा सकूँ या मुख्यमंत्री या क्या विधायक मेरे को सपोर्ट कर मैं अपर बहन खुद बिगला ना मैं एक झाड़ी नहीं कर सकूँ तो क्या मैं 1000 रुपये में परिवार पाल सकूँ या मैं अपने बच्चे तक पाल सकूँ अगर मुख्यमंत्री ये काम कर दें तो बिल्कुल हम तैयार छो। और ये बात मेरी एक मुख्यमंत्री तक एक राष्ट्रपति तक मेरी आवाज क्या राष्ट्रपति भी ये बात स्वीकार कर दें तो मैं तैयार छो। और भाई साहब हम बगल माध्यम से हम बिल्कुल ये बात चैनल पर दिखाना चाहना छो और मतलब इनकी मुख्यमंत्री तक हम और राष्ट्रपति तक हमें बात पहुँचाना चाहना चाहो। अब मैं यहाँ पर बात है मैं केवल ग्राम खरगाव निवासी बोलना चाहूँ। शुभ नाम क्या है सुबह? सत्येंद्र सिंह रावत। चलो ठीक लहसुन हमारे विधानसभा ग्राम सभा खरगाव छो ग्राम सभा बड़गा और पट्टी तला बदलापुर छोमी। अगर मेरे बात भर कोई भी ये क्षेत्र की ये गलत बात तो बिल्कुल मतलब कोई भी मेरा क्षेत्र जिन्हें बोलूँ कि जैसे पेंशन मिली 1000 रुपये में ऊपर परिवार पाल सकूँ तो बिल्कुल मैं दगड़ छू। मैं मुख्यमंत्री दोष नहीं छो मैं राष्ट्रपति दोष नहीं छो पर लेकिन अगर ये बात सब नकारता चाहिए तो हम ये बात गलत छू।